नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 35 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे जो मिस्टर दिनेश नरवाल ने कमेंट बॉक्स में पूछे थे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, औरतें श्रृंगार की ओर ज्यादा ध्यान देती हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेडीज पे मोर अटेंशन टू टॉयलेट। टॉयलेट का मतलब यहां पर श्रृंगार से है। अगला सेंटेंस है, फैशन तेजी से बदलते रहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे फैशंस चेंज फास्ट। अगला सेंटेंस है, भड़कीले कपड़े मत पहनो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Don't put on gaudy clothes। गोडी का मतलब होता है भड़कीले। अगला सेंटेंस है, औरतों का सम्मान करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Respect the fair sex। फेयर सेक्स का मतलब होता है लेडीज यानी औरतें। अगला सेंटेंस है, सफाई की आदत डालो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Cultivate habits of cleanliness। Cultivate का मतलब होता है आदत डालना, किसी चीज की शुरुआत करना। अगला सेंटेंस है, दूसरों के अधिकारों को मत छीनो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Don't deprive others of their rights। Rights का मतलब होता है अधिकार और deprive of का मतलब होता है छीनना। अगला सेंटेंस है, अज्ञानता और अनपढ़ता को दूर करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Drive away ignorance and illiteracy। इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़ता, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता और ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर करना, दूर भगाना। अगला सेंटेंस है, मेरा जूता एडी पर लगता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे My shoe pinches at the heel। Pinches का मतलब होता है चुभना। अगला सेंटेंस है, फीते से मेरा माप लो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Take my measurement with the tape। टेप का मतलब होता है फीता। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी कमीज तंग है। इसे इंग्लिश में कहेंगे Your shirt is tight। अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हारा पायजामा ढीला है। इसे इंग्लिश में कहेंगे Your trousers are loose। अगला सेंटेंस है, तुमने जूतों के फीते क्यों नहीं बांधे। इसे इंग्लिश में कहेंगे Why have you not laced up your shoes। लेस्ड अप का मतलब होता है फीते बांधना। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, मेरी कमीज के लिए कितना कपड़ा लगेगा। इसे इंग्लिश में पूछेंगे How much cloth will it require to make me a shirt। अगला सेंटेंस है, धोबी अगली धुलाई कब करेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे When will the washerman bring the next wash। अगला सेंटेंस है, धोबी कपड़ों पर इस्त्री कर रहा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे The washerman is ironing the clothes। अगला सेंटेंस है, बिस्तर की चादरों को छपवा दो यानी प्रिंट करा दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे Get the bed sheets calico printed। अगला सेंटेंस है, मुझे कपड़े बुनना अच्छा लगता है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I like knitting। नीटिंग का मतलब होता है कपड़े बुनना। अगला सेंटेंस है, वह मेरी कमीज को रफू कर रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is darning my shirt। डार्निंग का मतलब होता है रफू करना। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, आसपास में रफू करने वाला कौन है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Who is a darner nearby। डार्नर होता है रफू करने वाला।
अगला सेंटेंस है, उसको कढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सी डज नॉट लाइक एम्ब्रॉयडरिंग। सी डज नॉट लाइक एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई करना। अगला सेंटेंस है, मोटर ड्राइवर का काम आसान नहीं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोटर ड्राइवर्स जॉब इज नॉट इजी। मोटर ड्राइवर्स जॉब इज नॉट इजी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अध्यापकों का अब सम्मान नहीं रहा। इसे इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। टीचिंग इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरा। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगला सेंटेंस है, इंजीनियरों की बहुत मांग है। इंग्लिश में कहेंगे इंजीनियर्स आर इन ग्रेट डिमांड। इंजीनियर्स आर इन ग्रेट डिमांड। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, वह सब्जी का काम करता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ ग्रीन ग्रोसर। ही इज अ ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर हम सब्जी वाले के लिए यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अस्पतालों में नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे नर्सेज आर ट्रेन्ड इन हॉस्पिटल्स। नर्सेज आर ट्रेन्ड इन हॉस्पिटल्स। अगला सेंटेंस है, फेरी वाले हर तरह की चीजें बेचते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे द हॉकर्स सेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। द हॉकर्स सेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। हॉकर्स का मतलब होता है फेरी वाले। अगला सेंटेंस है, फोटोग्राफी में बहुत आमदनी होती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे फोटोग्राफी इज अ पेइंग प्रोफेशन। फोटोग्राफी इज अ पेइंग प्रोफेशन। पेइंग प्रोफेशन का मतलब होता है जिसमें हमें ज्यादा आमदनी होती है। अगला सेंटेंस है, मजदूर अधिक मजदूरी मांगते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द लेबरर्स डिमांड हायर वेजेस। द लेबरर्स डिमांड हायर वेजेस। वेजेस होती है तनख्वाह या मजदूरी, और लेबरर्स होते हैं मजदूर। चलिए अगला सेंटेंस है, वह वकील बनना चाहता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ लॉयर। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ लॉयर। अगला सेंटेंस है, पुलिस वाले बदनाम होते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे पुलिस ऑफिशियल्स हैव अ बैड नेम। पुलिस ऑफिशियल्स हैव अ बैड नेम। अगला सेंटेंस है, वह समुद्री सेना में भर्ती हो गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज रिक्रूटेड इन द नेवी। ही वॉज रिक्रूटेड इन द नेवी। रिक्रूटेड का मतलब होता है भर्ती होना। अगला सेंटेंस है, मेरे भाई ने एक कारखाना खोला। इसे इंग्लिश में कहेंगे माई ब्रदर सेट अप अ फैक्ट्री। माई ब्रदर सेट अप अ फैक्ट्री। सेटअप का मतलब होता है कोई नई चीज की शुरुआत करना, खोलना। अगला सेंटेंस है, वह फिल्मों का शौकीन है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ फिल्म फैन। ही इज अ फिल्म फैन। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई सेंटेंसेस के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।